21 जून 2023 के दिन भारत समेत पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को भारत में हुई थी। आपको बता दें कि साल 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि अगले साल यानी कि 2015 से इंटरनेशनल योगा डे पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस योगा दिवस पर तमाम राजनेता सेलिब्रिटीज से लेकर के क्रिकेटर्स योगा दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेटर ने भी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल हो या फिर ट्विटर सभी जगह पर योगा दिवस मनाया है और अपने साथ साथ दूसरों को भी अच्छी सेहत की शुभकामनाएं दी हैं। इनमें से सबसे पहला नाम आता है भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने अपने तरह तरह के शॉर्ट्स की एक फ्रेम बना दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे और इसके साथ साथ उन्होंने सभी की अच्छी सेहत की शुभकामनाएं दी हैं। उनकी ये स्टोरी देखने के बाद आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। ये काफ़ी डिफरेंट वे में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे की विश दी है। चलिए अब दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं, वो है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने शीर्ष शासन करते हुए सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने सदगुरु का एक कोट लिखा है और सभी को योगा दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। चलिए जानते हैं वीरेंद्र सहवाग ने अपनी वीडियो पर क्या लिखा। वीरेंद्र सहवाग ने अपनी वीडियो पर कैप्शन दिया, आपको एक महान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। इसके अलावा प्रज्ञान ओझा ने भी योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। प्रज्ञान ओझा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हैप्पी इंटरनेशनल योग डे, इस प्राचीन अभ्यास को अपनाने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, सद्भाव और आंतरिक शांति को भी बढ़ावा मिलता है। आइए योग की शक्ति का उपयोग करके माइंडफुलनेस पैदा करने, तनाव कम करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एकजुट हो। योगा दिवस पर आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि योग करने से हम सभी तनाव मुक्त हो जाते हैं। हम सभी को योगा जरूर करना चाहिए क्योंकि योगा करने से हम पूरी तरह से फिट भी रह सकते हैं। तो आइए इस योग दिवस को एक साथ मनाएं और सभी के स्वास्थ्य के लिए कामना करें। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें।